वेरी टैलेंटेड एक्टर रवि मलिक हु पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ रामा श्री ऑन तेरी शहर में स्पीक्स अबाउट द चेंज ओवर इन हिज कैरेक्टर। रामा का कैरेक्टर जब मुझे डिस्क्राइब किया गया था तो वो बहुत ही सिंपल स्वीट और इनोसेंट सा लड़का था जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में जूझा रहता था, जिसकी अपने बाप से नहीं बनती और माँ उसका काफ़ी सपोर्ट करती है, तो वो हमेशा माँ की सुनता था और माँ से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था, सब चीज़ करता था। और वहीं पे उसको सरकारी नौकरी और वो सब, जहाँ तक आप जानते हैं, उसको लगा था कि सरकारी नौकरी में पढ़ने, और कभी वो प्यार में नहीं पड़ा। और पहली बार प्यार में पड़ा तो उसमें चेंजेस वहाँ से आना शुरू हुए जब वो प्यार में पड़ा रचिता के, और रचिता के लिए फिर वो सारी चीज़ें करने लगा, जॉब ढूंढने लगा अपनी जॉब छोड़ के, और अपनी प्रायोरिटीज़ को साइड में रख के वो रचिता के लिए आगे पीछे भागने लगा। फिर एक दिन आया जब लव कन्फेशन था रामा का, तो वो एक और गेम चेंजर था, क्योंकि रामा ये सोच के गया कि रचिता उससे प्यार करती, और जब वो टूटा तो उसके काफ़ी इनहिबिशंस थे जो लाइफ में लेके चल रहा था कि नहीं, रचिता मेरी है और हर चीज़ स्मूथली चल रही है, सब कुछ सही हो जाएगा एक बार रचिता हाँ कर दे, तो वहाँ पर उसका हार्ट ब्रेक हुआ। और सबसे पहले इंसान अगर लाइफ में चेंज होता है तो वो तभी होता है जब उसका हार्ट ब्रेक होता है, तो उसमें काफ़ी समझदारी आ जाती है। तो रामाश्रय को भी लाइफ में वहाँ से समझ आना शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे 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 जब चीज़ें पेस अब होती गईं और देखा कि रचिता उससे वाकई में प्यार नहीं करती और अब तो ध्यान नहीं दे रही उसके ऊपर, तो फिर वो ज़िद पे आ जाता है कि नहीं, अब तो होगा तो जो होगा इसी से होगा, और फिर वो कसम खाता है कि शादी तो इसी से होगी, और इसी चक्कर में फिर वो रुद्र से पिटता है। तो कहते हैं कि आदमी को लड़ाई झगड़े का डर तब तक होता है जब तक वो किसी को मारे नहीं या उससे किसी से पिटे नहीं अच्छे से। तो रामा का डर भी जो था वो यहाँ पे निकल गया, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया के सामने इसको चैलेंज किया कि अब शादी होगी तो रचिता जी से होगी और पूरी दुनिया देखेगी। अभी तक जो आपने देखा है रामा ने जैसा सोचा वो बिल्कुल नहीं हुआ, और रामाश्रय काफ़ी शौक में था कि उसकी दुल्हन की जगह कोई और निकली, उसी की छोटी बहन निकली, काफ़ी शौक है, यही सब ट्विस्ट है। एंड आई थिंक ये कहानी का एक हिस्सा ही है, और अगर आप कहानी से जुड़े हैं और आप उस चीज़ को ना पसंद कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी ऑडियंस काफ़ी कनेक्टेड है हमारे शो से और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ये कहानी का हिस्सा है। और अभी रामाश्रय के इस शादी से रामाश्रय में और भी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, तो रामाश्रय एक आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने पूरा ग्राफ कर दिया है कि एक नॉर्मल सा आदमी कैसे हालातों में जूझते जूझते वो एक आम इंसान से कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ जाता है, और फिर एक लेवल उसका बढ़ जाता है, और फिर वो जो कहते हैं जो बाकी रेस होती है जो ऑलरेडी तेज़ होते हैं ज़िंदगी में, वो उनकी बराबरी में, और फिर उनसे आगे कैसे निकल जाता है, तो ये उसकी कहानी है। We also asked Rafi who is his inspiration for Rama. हाँ, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, इनफैक्ट मेरी फैमिली में एक है, मेरा कज़न है, वो बहुत सीधा है और इन सारी चीज़ों से दूर है, और काफ़ी मैं रिलेट करता हूँ उसे। तो मेरे जो इस कैरेक्टर का मैंने एक स्केच बनाया हुआ था कि ये रामाश्रय ऐसा होगा, ऐसे बात करता होगा, ऐसे बिहेव करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों से ही पिक किया हुआ है, जो ये फ्लेवर आप देखते हैं कि अगर वो डांस करेगा या नहीं करता तो कैसे होगा, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बारीकियाँ थी, लेकिन अब जो है रामाश्रय की सारी जो कहते हैं जंजीरें थी वो टूट गई हैं, और अब वो काफ़ी मैच्योर होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे तो बस वही एक जर्नी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपने जितना प्यार अभी तक हम सबको दिया है, आप स्टोरी को और आगे देखें, कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे आप ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और जब कहते ना जब तक एंडिंग अच्छी खुशी भरी नहीं होती तो पिक्चर बाकी रहती है। upset to see Rama getting married to Amaya, we asked Ravi what he has to comment on it. देखिए ये जो फैंस हमारे इस चीज़ को हेट कर रहे हैं ये सब वो भी जानते हैं, और इस सिचुएशन से भी निकले होंगे कि वो कभी ना कभी किसी से वन साइडेड प्यार भी किया होगा उन्होंने, और जब देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उससे मूव ऑन भी किया, फिर कई बार उन्होंने देखा है कि अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप जो रहे हैं दोनों साइड से रहे, लेकिन कभी बोल नहीं पाए, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि आदमी कुछ कह नहीं पाया, और उसी कहने के और ना कहने के कश्मकश में वो ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है और लाइफ एकदम निकल जाती है, तो ऐसा लगता है शिट, हमको बोल देना चाहिए था या हमको कन्फेस कर लेना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें एक वही रियल लाइफ से ही हम लोग ने पिक किया हुआ है, और आपने भी कई बार देखा होगा ऐसी सिचुएशन होती हैं कि घर वालों की इज्जत बचाने के लिए या कोई ना कोई एक ऐसा खुददार आदमी होता है ख़ानदान में जो सारी परेशानियाँ उठाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वो ऐसे स्टेप्स ले लेता है, अपनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि उसके घर वाले खुश रहें, क्योंकि
आप भी अगर आपके घर वाले भी आपको इतना प्यार देंगे तो आप अपनी खुशियों के आगे उनकी खुशी रखेंगे। मैं अपने फैन से और तेरे शहर में के फैन से, मान्या के फैन से, रारा के फैन से सबसे यही बोलना चाहूँगा, देखिए ये स्टोरी है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लें, क्योंकि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे आएंगे, कभी आप रिलेशनशिप हेट करेंगे, कभी आप विलन को हेट करेंगे, कभी आप हीरो या हीरोइन को हेट करेंगे, जैसी सिचुएशन भी क्यों है, लेकिन हम सिर्फ आप तक एक कहानी पहुंचा रहे हैं जो कि आप जिससे चीज़ें समझ सकते हैं और उससे एग्जांपल लेके अपनी लाइफ में जो वो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन देख सकते हैं या उसको उसमें से सोल्यूशन ले सकते हैं। तो उस चीज़ को लाइट हार्टेडली लेके आप इन्जॉय करें, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स नॉट अ रियल लाइफ, एंड आपके फेवरेट कपल विल ऑलवेज बी अ फेवरेट कपल फॉर यू एंड दे विल लिव फॉर एवर। और रही बात आगे आने वाली ट्विस्ट और टर्न्स की, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आगे क्या क्या होने वाला है, अभी सिर्फ हम लोग ने फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे आए और गाड़ी 6 गियर तक की है। तो आई होप यू गाइस कंटिन्यू वॉचिंग तेरे शहर में एंड आई होप वी ऑल कीप एंटरटेनिंग यू। We hope fans enjoy the upcoming twists and turns on the show. Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Hiva Nawab and you are watching me on India Forums and you can subscribe on WhatsApp TV.